Hey everyone, this is Nikki Gupta here and I hope you all are doing well. तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को नेम रिएक्शन का एक पूरा PDF प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर A to Z हर एक नेम रिएक्शन जो भी हमारी JEE मेंस या फिर JEE एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है उनके नाम तुम लोगों को बता रहा। और यार इतने ज्यादा डिटेल्ड PDF ना तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इसके अंदर A to Z हर एक नेम रिएक्शन के बारे में लिखा है। इसके अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन दे रखी है सारी की सारी तुम लोगों ने अगर पढ़ ली ना अच्छे से और याद कर ली तो तुम लोगों के पेपर के 60% ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे ही निपट जाएंगे, तुम लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यार जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर ना मैं पूरा का पूरा एक घंटा वहाँ पे केमिस्ट्री को डिवोट करके आया था और मेरे को सिर्फ 51 नंबर आए थे। लेकिन अगर मैं सितंबर वाले की बात करूं जब मैं सारी की सारी रिएक्शन याद करके गया था, सारी की सारी रिएक्शन अच्छे से पढ़ के गया था, तो मैंने मात्र 38 मिनट के अंदर पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर कर लिया था और उसके अंदर मेरे 75-80 के बीच में जो नंबर है वो आए थे। तो तुम लोगों के लिए नेम रिएक्शन का ये जो PDF है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस PDF के बारे में तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझानी है एंड आई होप कि अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार कुछ इस टाइप का तुम लोगों का PDF है। इसके अंदर पहले तो मैंने नेम रिएक्शन को क्लासिफाई करा है चैप्टर के वाइज और उसके बाद मैंने इसको क्लासिफाई करा है फर्दर दो सेक्शन के अंदर। तो देखो यार जो फर्स्ट सेक्शन है ना वो बेसिकली तुम्हारा JEE मेन स्पेसिफिक ज्यादा है, यानी उसके अंदर जो नेम रिएक्शन है उसके बारे में तुम लोगों ने पहले से सुन रखा होगा। हो सकता है एक दो रिएक्शन के बारे में तुम लोगों को NCERT के अंदर ना मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो नेम रिएक्शन है जो सेक्शन 1 के अंदर लिखी गई है वो सारी की सारी तुम लोगों को NCERT के अंदर मिल जानी चाहिए और ये जो है JEE मेन्स के अंदर ज्यादा पूछी जाती है। और अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो यार उसके अंदर वो वाली रिएक्शन ज्यादा है जो JEE एडवांस स्पेसिफिक है। अब काफी सारी सेक्शन 2 की जो रिएक्शन है उनका नाम तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन तुम लोग उसका रिएजेंट देखोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला जो रिएजेंट है इससे क्या होता है ये हम लोगों को पता है। मोस्टली चीजें जो है ऐसी ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा लेकिन उसकी रिएक्शन जो है वो तुम लोगों को ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाई नहीं जाती। जैसे अगर मैं नाम ले लूं विल्किंसन कैटलिस्ट का, अब इसके बारे में हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट वाले पेज के ऊपर। तुम लोगों ने देखा होगा रूथियम का एक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर बोल रखा है कि ये जो है ये हमारी एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस करके एल्केन बनाने के काम आता है। अब ये चीज वहां पे पढ़ी लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर तो पढ़ी नहीं, तो यही चीज उठ के जब पेपर के अंदर आती है तो वो क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेशन का लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर ढूंढ रहे हो। तो इसीलिए यार मैंने काफी सारी रिसर्च के बाद ये जो पूरा PDF है ये बनाया है। इसके अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन है अगर तुम लोगों ने पढ़ ली तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा ऑर्गेनिक के अंदर। अब यार जब तुम लोग PDF को ओपन करोगे ना तो तुम लोगों को पता चलेगा कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स बना रखे हैं और सब पॉइंट्स के अंदर जितने भी रिएजेंट लिखे हैं ना सबका काम जो है वो सेम ही है, यानी सबके सब सेम ही प्रोडक्ट तुम लोगों को बना के दे रहे होंगे। तो अगर तुम लोगों को किसी एक के बारे में भी पता है तो बाकी के तुम्हारे आराम से हो जाए, इसीलिए वो सब पॉइंट्स बनाए गए हैं। और यार इसके अंदर ना काफी सारी रिएक्शन जो है उनके लिए एक अल्टरनेटिव रिएक्शन भी निकाली जाती है। अब ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि उस रिएक्शन की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लीमेंसन और वुल्फिशनर रिडक्शन के बारे में तो इन दोनों का नाम तो हर किसी ने लगभग सुना होगा, लेकिन इसके अलावा एक मोजिंगो रिडक्शन होता है वो भी सेम काम ही कर रहा होता है, हमारे एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होता है। अब वो तीसरी रिएक्शन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जो क्लीमेंसन और वुल्फिशनर रिएक्शन है ये दोनों की दोनों एसिड और बेस जो है वो सेंसिटिव होती है रिस्पेक्टिवली, तो इसीलिए इन दोनों से ऊपर हम लोग प्रेफरेंस देते हैं मोजिंगो रिडक्शन को। अब यार ये सब चीजें तुम लोगों को कैसे पता चलेंगी, इसीलिए आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हर एक चैप्टर की ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर तुम लोगों को नोट्स जो है वो मिल रहे होंगे इन्हीं नेम रिएक्शन के रिलेटेड। ए टू जेड हर एक नेम रिएक्शन का लिमिटेशन वगैरह सब कुछ उसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए यार थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यार इस पूरे PDF को बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम मेरे को इस काम के अंदर लग गया है, काफी ज्यादा मेहनत करी है इस PDF को बनाने में। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो तुम लोगों को देना ही चाहिए। अब तुम लोग देखोगे कि यार कहीं कहीं पे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है सिलेक्टिव फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, सिलेक्टिव फॉर अल्कोहल, सिलेक्टिव फॉर अल्कोहल ओनली। तो यार इसका मतलब क्या है, देखो जहां पे सिलेक्टिव फॉर समथिंग ओनली लिखा है, ओनली का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी से रिएक्ट करेगा। जैसे हमारे टोसाइल क्लोराइड वाले के अंदर मैंने लिख रखा होगा सिलेक्टिव फॉर अल्कोहल ओनली, तो ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो अल्कोहल को ही रिड्यूस करेगा, बाकी और किसी रिएक्शन के अंदर वो पार्ट नहीं करेगा। तो तुम लोगों को यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि यार कौन सी रिएक्शन हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। अब कहीं कहीं पे यार मैंने लिखा होगा सिलेक्टिव फॉर दिस, वहां पे ओनली शब्द का यूज नहीं किया होगा, तो यानी कि वो बाकी को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन मान लो तुमने उसका एक ही मोल लिया और तुम लोग उसको किसी से रिएक्ट करा रहे हो तो वो जिसके लिए पहले सिलेक्टिव है पहले उसके ऊपर अटैक करेगा। अब यार अगर हम कंडेंसेशन रिएक्शंस की बात करें, जैसे हमारे एल्डोल कैनिजेरो हो गए, तो तुम लोग सोचते हो कि यार बस एल्डोल और कैनिजेरो पढ़ लेते हैं
बाकी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी तुम लोगों को बाकी के पढ़ने पड़ते हैं, उन सबके नाम मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए हैं। अब कुछ रिएक्शंस ना मैंने जानबूझ के रिपीट करी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सोते हुए पीडीएफ बनाया, वो रिएक्शन जानबूझ के रिपीट करी गई है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार इसके अलावा बिना एनसीईआरटी के अंदर कुछ रिएक्शंस हैं जो इस पीडीएफ के अंदर मैंने इंक्लूड नहीं करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोगों को एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस तो ए टू जेड हर एक अच्छे से करनी ही है और उसके बाद इस पीडीएफ को फॉलो करना है। तो पीडीएफ का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है पूछ सकते हो, या फिर मेरे को मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर तुम लोग रीच आउट कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा था कि यार वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, लेकिन ये वीडियो 5 से 6 मिनट की तो बनी जाएगी क्योंकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन पक्का ही होने वाला है। एंड हम मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, स्टे सेफ एंड बाय बाय।